जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। अपने दर्शकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं सनर हॉस्पिटल के अंदर। सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुरुग्राम में जाना पहचाना नाम है। वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर के यहाँ पर हार्ट से संबंधित यानी कि अपने दिल की सुरक्षा को लेकर के एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आज, जिसमें सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर साइकिलिस्ट का एक दल भी यहां आया हुआ था, जो कि यहां पर इस तरह की एक्टिविटी में भाग ले रहा था। इसके साथ ही यहां पर डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से दिल को दुरुस्त रखा जा सकता है कुछ एक्सरसाइज घर पे करके। साथ ही डॉक्टर अखिल गोविल, जो कि हेड है हार्ट से संबंधित बीमारियों के यहाँ पर, उन्होंने जानकारी दी कि आप किस तरह से अपने दिल को जवान रख सकते हैं, हमेशा अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से खान पान में कुछ तब्दीलियाँ ला करके, कुछ चीज़ों को छोड़ करके, अनहेल्दी फूड को ना खा के आप हेल्दी फूड खा के अपने आप को स्वस्थ और जवान अपने दिल को रख सकते हैं। देखिए यह खास खबर, जरूर इस खबर को शेयर करें, अन्य लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर अखिल गोविल है। मैं सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कार्डियोथोरैसिक सर्जरी हार्ट सर्जरी में डायरेक्टर एंड डिपार्टमेंट के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पे। ये पूरा वीक हम वर्ल्ड हार्ट वीक के हिसाब से मना रहे हैं और इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं हार्ट की, हेल्दी हार्ट की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए कि हम अपने हार्ट को, अपने दिल को हेल्दी और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया जी सर कि हमारे खान पान की जीवन शैली, हमारी एक्सरसाइज करने की क्षमताएं, उनको कैसे यूज़ करनी है ताकि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें, किस तरह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम किए जा सकते हैं, किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, डायबिटीज़ को कंट्रोल करके एक स्वस्थ दिल, एक हेल्दी हार्ट अपनी बॉडी में रख सकते हैं। सर, अनहेल्दी हार्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं? अनहेल्दी हार्ट के लिए जब अगर हमारे शरीर के अंदर हार्ट हेल्दी नहीं है तो चेस्ट पेन होना यानी सीने में दर्द होना, या सांस लेने में तकलीफ होना, या पैरों में सूजन आना, इस तरीके के सिम्टम हमारी बॉडी में आते हैं अगर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो। सर, बेसिकली देखा जा रहा है कि कोविड के बाद में हार्ट फेल या हार्ट अटैक के जो केसेस है वो बहुत बढ़े, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है और लोगों को कौन सी आदतें अपना करके इससे बचा जा सकता है? जी, कोविड के बाद ऐसा माना जाता है कि कोविड अपने छाप शरीर में छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के जो केसेस हैं कुछ बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रूवन नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन तो है ही कि हाँ, कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो इसको कम करने के लिए जब हम जिम करें या एक्सरसाइज करें तो उस वक्त अच्छे से हाइड्रेशन लें, जूस पानी जो भी लिक्विड्स हम लेते हैं वो प्रचुर मात्रा में लें, और वैसे भी अगर गर्मी है तो हम लिक्विड्स प्रचुर मात्रा में लें ताकि ब्लड का गाढ़ापन थोड़ा कम कर सकें और इसका इंसिडेंस, इस तरह के हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस कम हो सके। सर, जैसे कि आपने ये बताया था कि फाइबर का इंटेक करना चाहिए जो हार्ट को हेल्दी रखता है, तो जूस पीना ज़्यादा बेटर होता है या फ्रूट को डायरेक्ट इंटेक करना ज़्यादा अच्छा होता है? फ्रूट का डायरेक्ट इंटेक बेहतर रहता है क्योंकि उसमें एक फाइबर की जो मात्रा है वो कहीं ज़्यादा होती है जूस से। जूस आपको डेफिनेटली कुछ जो पोषक तत्व हैं वो तो देता है, लेकिन फाइबर उसमें बहुत कम होता है। तो अगर हम फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फल खाना जूस पीने से हमेशा बेहतर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जूस पीना अच्छा नहीं है, जूस पीना ख़राब है और फल खाना बेहतर है, ऐसा नहीं होता। फल खाना और जूस पीना दोनों के अंदर पोषक तत्व रहते हैं, फलों में ज़्यादा रहते हैं और जूस में उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है।
सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो आपको देख रहे हैं आज, जो आपको सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए? आज की युवा पीढ़ी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल मेंटेन करें जिसमें तनाव बिल्कुल कम रहे, और उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन, जिसे बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने भी कहा मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, योगा मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, दिन में 20 से 30 मिनट रोज़ मेडिटेशन करें और अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहें। ये बहुत एक बड़ी समस्या है हमारे देश में कि हमारे युवा जो है वो अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, तो हमें एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें हर साल अपना एक हेल्थ चेकअप कराना है, स्पेशली 20 साल की उम्र के बाद तो कराना ही चाहिए। हर साल एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मेरा नाम अमित दागा है और ये मेरे सारे साथी हैं। हमारा एक साइकिलिंग क्लब है गुड़गांव का, फोक्स एंड फोक्स। हम लोग सारे उसी क्लब में साइकिलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। आज सनार हॉस्पिटल ने हमें इनवाइट किया था क्योंकि वर्ल्ड हार्ट वीक चल रहा है और उसके बारे में अवेयरनेस के लिए और साइक्लिस्ट को बेस्ट वर्कआउट प्रैक्टिसेस सिखाने के लिए हमें बुलाया गया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। डॉक्टर साहब के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी रहा और बहुत अच्छा सेशन रहा। कुछ नई बातें पता चली, कुछ सवाल अनसुलझे थे जो आज हमने सुलझाए उनसे बातचीत करके। कुल मिलाकर के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और किसी और को कुछ कहना? आपके जैसे साइकिल ग्रुप है अमित जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है आपको कि सिर्फ साइकिल चलाने से हेल्दी हार्ट रखा जा सकता है या उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे पूछते हुए अपने हार्ट को चेकअप कराते रहना ज़्यादा जरूरी है? देखिए मैं मानता हूँ कि शरीर का कोई भी अंग हो रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि साइकिलिंग से ही आपका हार्ट पूरी लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेगा। आपको बेसिक अपनी डाइटरी प्रिकॉशंस, खाने पीने पे कंट्रोल और टाइम टू टाइम एक एज आने के बाद में चेकअप भी करवाते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर लोग सीढ़ियाँ चढ़ने को अवॉइड करते हैं और हेल्दी हार्ट के लिए वो जरूरी है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए सीढ़ियाँ चढ़ना एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम बन गई आजकल। बहुत हर 10 में 12 माले पर होते हैं, हर वक्त इतना टाइम और स्टेमिना नहीं होता, तो सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ना मैं नहीं कहूँगा कि जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, इंडोर एक्सरसाइजेज हैं, साइकिलिंग जैसी चीज़ें हैं, वॉकिंग रनिंग है जो आप खाली टाइम पे कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक ज़रूरत का काम हो गया। आपको ऑफिस के लिए जाना है, ऑफिस से आ रहे हैं, उस वक्त आपके पास शायद इतना वक्त नहीं होता, तो लोगों को लिफ्ट यूज़ करनी पड़ती है। प्लस 10, 12, 15, 50 माले की बिल्डिंग हो गई है गुड़गांव में, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे? नाम गौतम जीत है और मैं फोक्स एंड फोक्स के साथ 1 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। अमित नागा जी हमारे लीडर हैं। सबसे बढ़िया बात मुझे साइकिलिंग की ये लगती है कि इसमें एक तो हर वर्ग का, हर टाइप का इंसान अपना वर्कआउट कर सकता है और साइकिलिंग से एक तो दोस्ती बहुत बढ़ती है, एक सोशल ग्रुप है। आप रनिंग करते हो उसमें भी आपके हार्ट पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इट्स अ गुड एक्सरसाइज, पर वो बहुत बोरिंग हो जाती है एक पॉइंट के बाद, और खासकर अगर आप एक रनर नहीं है तो आपको उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत आती है। साइकिलिंग में एक जोश रहता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, हम एक ग्रुप में मिलेंगे, बातें करेंगे और भी खून बढ़ता है उससे हमारा कि भी चलो यू नो हमने एक एक्टिविटी करनी है इकट्ठे। तो ये है, होटल में आप आ जाएं, क्या कहेंगे इसके बारे में और आज जो ये कार्यक्रम हुआ, जो सेशन हुआ उसके बारे में? बहुत ही अच्छा सेशन था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिल ने हमें हार्ट के बारे में बताया, अपने क्या कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, हार्ट के ऊपर कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रखें, उस पर उन्होंने अच्छा सेशन दिया, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये।